झारखंड की राजनीति में फिलहाल सांसद गीता कोड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। उनके कांग्रेस की सदस्यता त्यागने के सवाल पर मंत्री रामेश्वर उरांव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजनीतिक छुआछूत का भाव ज्यादा आ रहा है, नहीं कि किसी के जाने से, व्यक्ति के जाने से पार्टी को क्या नुकसान होगा। पार्टी इतनी बड़ी है, समुद्र है, एक लोटा पानी चला गया तो क्या हो गया, एक बाल्टी पानी चला गया तो क्या हुआ, इस भाव से देखिए। और बहुत लोग गए, पार्टी तो है ना। गीता कोड़ा के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा मैं जानता हूं। पश्चिम सिंहभूम से सांसद गीता कोड़ा के कांग्रेस को छोड़ने के बात को लेकर के सियासत तेज हो गई है झारखंड के गलियारों में। आपको बता दें कि वहीं मंत्री उरांव का भी बयान सामने आया है कि समुद्र से एक लोटा पानी अगर निकाल ले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर गीता कोड़ा पार्टी को छोड़ती है तो। इसको लेकर लगातार अटकलें तेज होती आ रही है कि जिस तरीके से गीता कोड़ा लगातार यहां पर पार्टी की जो मीटिंग थी उस पे शामिल नहीं हो रही थी, जिस कारण से अटकलें तेज हो गई कि गीता कोड़ा पार्टी को छोड़ सकती है, जिसके बाद यहां पर उनका बयान सामने आया है। इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता चित्रंजन, उनसे जानेंगे जिस तरीके से यह पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है कि गीता कोड़ा पार्टी छोड़ सकती है। जी बिल्कुल, देखिए अनिकेत, जो झारखंड कांग्रेस हो पूरे राज्य भर में आ अब लौट चले कार्यक्रम चला रही, जिसके तहत जो पुराने कांग्रेसी नेता है या फिर ऐसे नेता जो कांग्रेस का दामन थामना चाहते हैं उनको कांग्रेस में शामिल कर रही। तो वहीं एक बड़ा नाम, एकमात्र सांसद जो कांग्रेस कोटे से सांसद है, चाईबासा क्षेत्र की सांसद है, साथ ही साथ कांग्रेस प्रदेश की कार्यकारी अध्यक्ष, जब राजेश ठाकुर को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था तब उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तब भी खासा नाराजगी उन्होंने व्यक्त किया था पार्टी के आला कमान से कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का दामन चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी चाहिए। ऐसे में एक बार फिर से सुर्खियां तेज है कि जो गीता कोड़ा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के जो मधु कोड़ा, वो दोनों भाजपा में शामिल होने, इनका इसका बाजार जो राजनीतिक बाजार वो गर्म है। जब इन सवालों को लेकर पार्टी के नेताओं से पूछा जाता तो सभी अपनी अपनी बातें करते हैं कि गीता कोड़ा रह रही है पार्टी में, सिर्फ मीडिया में, सुर्खियों में। लेकिन जब आज रामेश्वर उरांव से ये सवाल पूछा गया कि आप पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आपके गीता कोड़ा की सुर्खियां गर्म है कि वो बीजेपी में जा रही, जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, कितने लोग आते हैं जाते हैं, आएंगे जाएंगे, कांग्रेस जहां है वहीं रहेगी, कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका वही वजूद रहेगा। जहां तक बात है झारखंड की सांसद की तो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो व्यक्तिगत आजादी है, स्वतंत्रता है, वो किसमें रहना चाहती, सबका एक राजनीतिक हिस्ट्री होता, सबका एक फ्यूचर, राजनीतिक फ्यूचर होता, उसके हिसाब से लोग करते हैं। कांग्रेस को उन्होंने एक समुद्र की तरह बताया कि एक समुद्र है, एक लोटा पानी अगर निकल भी जाए तो क्या हो। लेकिन वो जो आपको बता दें अनिकेत कि कांग्रेस की एकमात्र झारखंड से सांसद कोई है तो गीता कोड़ा है। 14 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को एक सीट मिली थी, वो भी गीता कोड़ा सांसद। ऐसे में जब वो भाजपा में जाएंगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस लोकसभा सीटों पर शून्य हो जाएगी। अगर आने वाले दिन के 24 की चुनाव की बात की जाए या उन पिछले चुनाव की, तो पिछले चुनाव के हिसाब से एक सीट मिली तो वो जाएंगे तो शून्य हो जाएगा 24 में भी। इसका असर पड़ेगा। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे जब आए हुए थे तो उनके सभा में यहां पर जिस तरीके से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था वहां पर भी नहीं पहुंची थी, जिसके बाद से ये अटकलें तेज हो गई कि क्या ये बीजेपी का दामन थाम सकती है, जिस तरीके से उसके बाद से ये अटकलें तेज हुई है। जी बिल्कुल, हाल के दिनों में संगठन के कई कार्यक्रम हुए, कई बैठके हुए, लगातार पार्टी के बैठक हो रही, विधानसभा के जो प्रभारी उनकी बैठक हो रही, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे, प्रभारी के हाल में दो दौरे हुए, दोनों दौरों से नदारत रही कार्यकारी अध्यक्ष। बाकी जो तमाम जो कार्यकारी अध्यक्ष है, शहजादा अनवर की बात हो या फिर बाकी जो बंधु तिर्की हो, सभी मौजूद रहते हैं। प्रभारी जब आते हैं तो राजधानी रांची जहां भी वो जाते वहां पे सभी अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, सभी विधायक दल के नेता सभी मौजूद रहते, एक नाम छोड़ दिया जाए तो वो गीता कोड़ा। तो ऐसे में बाजार, राजनीतिक जो माहौल है, जो बाजार है वो गर्म है कि वो उनका जो जाने की तारीख है वो 25 तारीख बताई जा रही है, कि हो सकता है कि 25 तारीख को एक बड़ा राजनीतिक पॉलिटिकल कार्यक्रम हो जिसमें वो भाजपा का दामन थामे, क्योंकि 2024 में चुनाव होने, ऐसे में 6 महीना
का समय भी से भी कम बचा हुआ है, ऐसे में जब वो भाजपा जाती हैं तो उपचुनाव की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो इन सारी चीजों को देखकर ही हो सकता है कि इतनी नजदीक में वो बीजेपी का था। इससे पहले भी कांग्रेस को लेकर कई तरह की ऐसे राजनीतिक झारखंड में गर्म माहौल गर्म रहे कि जेएमएम समर्थन कर रही भाजपा को, जेएमएम के विधायक टूट रहे हैं, कांग्रेस के नेता टूट रहे, जिसको लेकर रिसोर्ट पॉलिटिक्स भी झारखंड में देखने को मिली थी पिछले दिनों, जब झारखंड के विधायकों को छत्तीसगढ़ के रिजोर्ट में ठहराया गया था। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से तोड़ मरोड़ की राजनीति वो झारखंड में दिखने को मिल रही। इस बार सांसद, पिछली बार विधायकों की टूटने की बातें सामने आई थी और कई विधायक, तीन विधायकों पर एफआईआर भी हुआ था, पार्टी नहीं कराई थी, हालांकि वो पूरा मामला निरस्त हो गया, लेकिन एक बार फिर से जो सांसद है वो इस भाजपा में जाने की गुंजाइश जो है वो जिस तरीके से अटकलें आ रही, अगर गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल होती है तो कांग्रेस को चुनाव से पहले ये बड़ा झटका लगने वाला है। जी बिल्कुल, एक बड़ा झटका, राजनीतिक झटका तो लगेगा, क्योंकि वो सांसद भी हैं और साथ साथ उनका जो क्षेत्र में पकड़ है वो काफी मजबूत है। इसी को देखते हुए पार्टी ने एक महिला को आगे करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था कि ताकि पार्टी संताल के क्षेत्रों में, चाईबासा जैसे क्षेत्रों में पार्टी की मजबूती मिल सके। और हाल के दिनों में जब राज्य सरकार ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात की थी, कांग्रेस जिसका समर्थन किया था, उसमें भी उन्होंने खुलकर मधु कोड़ा हो या गीता कोड़ा, दोनों ने ही खुलकर इसका विरोध किया था। पार्टी फोरम से अलग हटकर उन्होंने विरोध किया था, बोलो उन्होंने साफ तौर पर उस समय कहा था कि पार्टी का लाइन कुछ भी हो, लेकिन हमारी क्षेत्र की जनता के साथ हम, हमारी जनता 1932 के साथ नहीं है, क्योंकि वहां जो लास्ट सर्वेक्षण है वो दूसरा है। इसको लेकर उन्होंने काफी विरोध किया था, आलाकमान से भी अपनी बातें उन्होंने रखी थी, प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने जो गीता कोड़ा उन्होंने अपनी बातें रखी थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी का कोई भी लाइन हो, लेकिन हमारा लाइन 1932 को हम समर्थन नहीं करते, इसका हम विरोध करते। तो उसी समय से टकराटे बढ़ गई थी। जब प्रदेश वाली बात होगी कि क्या जिस तरीके से आपने बताया कि 25 तारीख को बड़ा ऐलान हो सकता है, क्या गीता कोड़ा बीजेपी का दामन थाम सकती है? फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अटकलें जिस तरीके से राजनीतिक गलियारे में चल रही है कि गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो सकती है। काम कराता था।